मक्का के पाल पोस के हमरा से मुकाबला करे खातिर बड़ा कर दे लो। पुलिस बना ले लू खाकी पहना के, लेकिन देखा जजाइन खाकी पहरे वाला हाथ बहुत कमजोर होला, उठी भी तो अदब के साथ, वो भी सैल्यूट खातिर। काल बिहारी, हमरा बेटा के हाथ के मजबूर और कमजोर मत समझ, आंख डाल के तो देख, एक आदर्शवादी माँ ओकरा के कितना मजबूती से रोक के रख ले दिया। चल जो काल बिहारी, अपन खैर चाहता रहते, ना ही तो हमार बेटा का हाथ उठ गए ना, तो दोस्त करेजा निकाल के हमारे पैर पे रख दे। चल जो गर्भना भाई, गर्भना, आज हमके ई वर्दी पे शरम आवत हा, तो उतार के फेंक दा, कुचल दा तू भी अजय के जैसे अपने पिता के आदर्श और संस्कार के, छोड़ के चल जो हमरा के, लड़ ले हम अपन लड़ाई, अबे हमार बूढ़ी हड्डी में इतना जान बा बेटा कि बिना कोनो सहारा के हम कोर्ट कचहरी चढ़ सके नहीं। अरे काल बिहारी से हमार मकसद से बदला लेने के रहत था, तोहरा के पढ़ा लिखा के इंस्पेक्टर ना एगो गुंडा बना दिले रहती, गुंडा। हाँ। अपन विधवा माई के मकसद के समझा बेटा, अगर अपने पिता की सच्ची श्रद्धांजलि देवे की चाहत बाड़ा तो कानून के राह पर चल के काल बिहारी का सर्वनाश कहेगा, ओकरा के बर्बाद कहेगा। हाँ बेटा, बर्बाद कहेगा, नहीं नहीं तो ये जंग में हमरा के अकेले छोड़ के चल जा। अरे कमीना, अरे ससुर तू अपना महतारी के पेट में कैसे रह ले रहे, बोल और हमार कितना डिमोशन करोगे बताओ। आईजी से डीआईजी भैली, फिर कमिश्नर से असिस्टेंट कमिश्नर, और आज एसपी। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, अब हमारा के का सिपाही बना के छोड़ दे, बोल। प्लीज कम विजय, प्लीज कम विजय, ई गुंडा की तस्वीर तनी गौर से देख ला, ई नालायक की वजह से हमार नाव प्रेम प्रकाश पाठक से पीपी पाठक यानी परमानेंट परेशान पाठक पड़ गए बा। तू सब काम धंधा छोड़ के एकरा पे नजर रखा। हाँ, ई अजुए जेल से छूटल बा, अब तोहरा के मालूम बा कि बानहर साड़ जब छूटेला तू का करेला। अब अगर फिर से ई काल बिहारी के आदमी के मरलेस पिटलेस ना तो हमार डिमोशन पक्का। देखा, प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज। आप चिंता ना करें सर, हम कोनो ना कोनो धारा लगा के एके जल्दी अंदर करें। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड। साहेब हम घुसी। विजय, इसाला की आदत इतना खराब बा कि घुसला के बाद पूछेला कि सर घुसी। अरे अब तो घुस आयल बाड़े, बोल का काम बा। कहा है घर से बीबी जी के फोन आयल रहे कि अमिताभ बच्चन के फिल्म पहनता के सीडी लेता हुआ। ठीक बा, तू जा। अच्छा सर, अब बतावा कैसे जी हम, बाहरी डेढ़ फुटिया गुंडा और घर के भीतर हमार नक चढ़ी बेटी, दोनों हमार जेल मोहल के दिले बाड़न सर।
आधी दाढ़ी वाला लंबा बुढ़ा न जाने कौन जादू का झेले बा हमारी बेटी पर कि जब देखा तब अमिताभ बच्चन तेरे से तो क्या तेरे बाप से भी मान लेगा। मैं पूछता हूँ ये दीदी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारा बीवी अपन को याद नहीं, आज से बारह साल पहले हम चर्च के बाहर फादर को मिला था और वो बोला था कि वो टाइम पे ये चिट्ठी हमारे हाथ में होता। इसका मतलब तुम और उनका मेरे बच्चे, आज मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। तीनों? हाँ, अमर, अकबर। हमारा अकबर? हाँ। तुम फौरन शादी कर लो, तुम और कुछ भी करने को बोलेगा करेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तेरे उल्टे सीधे धंधे बंद हो जाएंगे इसलिए। पर नानी हम राजस्थान क्यों मिला ली ना? इंग्लिश मिलने को मानता ना? दिमाग का घंटी बजने लगे, ऐसा लगना मतलब हर जैसे जन्नत का फरी प्लेन में उड़कर मेरे दिल के एयरपोर्ट में लैंड कर रही है। तो अमित जी, आई लव यू ना, बट दिस इज नॉट फेयर। हमरा जवान भैला से पहले तू बुढ़ा हो गया, ठीक ना भाई? छोरी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बस्ती वालन, कान खोल के सुन ला, ये तू लोगन के अभी बस्ती में रहे के कोनो हक नहीं थे। वो कहा है भैया कि पूरी बस्ती के जमीन अब बिक चुकल बा, तो आप 10 मिनट में ये अपन अपन खैरियत चाहेला पूरी बस्ती में से सामान सहित बाहर निकल जाए। नहीं तो कहा है कि 11वें मिनट में ये बुलडोजर पूरी बस्ती के पिसान बना दे। अरे लवनी, अंगूरी कहा गया रे? आजो करी हर जरूरत तो गायब हो गल दिया। अरे वही द्वार गई भैया योगा गुरु से ट्रेनिंग लेवे खातिर। रघुआ बानी नू समाज प्राणी बढ़ी आगे और दी जवाब। ये जमीन सरकारी हो, आई घर हमनी के हो, तोरा के क्या लिखने पर सत्याग्रह हो मंचन पर बैठ चला। अब जाके बुलडोजर के आगे सूत चल। अपने साथ ही बारात के मत मुआओ। देख हम ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं की, हमारे के सिर्फ 3 तक गिनती आवेला, ओकरा बाद बुलडोजर चल जाए।
मालिक है, आज ही जिंदा बच्चे के राजा ही। जवानी के अमिताभ बच्चन के दर्शन हो गए हो, का त्रिशूल, का दीवार, का शहंशाह। अरे सब फिल्म ये तो है नहीं है चलता, एक एक पंच अजूबा अजूबा। अतना किचकिचा के कटलू हम मजा तो आइए गई लोही, पहले ही बताओ अतना कटही तुबाड़ू के। हम एसपीपीबी पाठक के इकलौती बेटी सलोनी और अमिताभ बच्चन जी के दीवानी, लेकिन अच्छे हम तहार दीवानी हो गए बनी, तो चला मिला वहाँ। सोचा मत अजू भैया, मिला ला हाथ, वैसे भी तेरा काम धंधा के हिसाब से बड़े काम की चीज बनी। हाँ हाँ, मिलावा मिलावा। अब एक बात और सुनी मैडम जी, हमारा रजू भैया खाली अमिताभ बच्चन के जैसन फाइटो ना करेलन, नचबो गईबो करेलन, एकदम उन्हीं के जैसन। देखी के होई तो कल होली हो, आ जाई बस्ती में। अच्छा, अरे हमारा रजू भैया बस्ती के हीरो हो गए, हीरो। तब तो हम जरूर आए। We'll be right back.
ला चबनिया चबनिया बना ला दुल्हनिया में आपन रंग हुआ गंगा किनारे वाला फिर हुआ गंगा किनारे वाला फिर हुआ अरे गंगा किनारे वाला आहे चुनरी भीग गया चोली अरे हाँ क्या है चुनरी भीग गया चोली खेला हमरा साथे होली ये हमरा छिकन छिकन वाल तेरा गया चमके रंग गुलाल इन रहु गंगा बेर बेर ना एक बेर कहता नहीं के काल बिहारी सब पे भारी हम राहुल पास आयल बानी एकर मतलब ही ना कि हमार कमजोरी बा देखी बस्ती तो हम फुकवा सके नहीं खाली खादी के लाज रखता नहीं बुझनी बोली का बोलता नहीं रहुआ के डिमोशन चाहिए के प्रमोशन मंत्री जी ना हमारा के डिमोशन चाहिए ना प्रमोशन बस रहुआ हमारा कह जाए ऐसे ही बैठो ले रही उजवन अजय नाम के गुंडा बा ना ओकरा के गिरफ्तार करे खातिर हम अपने डिपार्टमेंट के सबसे बहादुर ऑफिसर के भेजत आनी एक बार वो गिरफ्तार हो गए ना तो समझ ले आधी बस्ती अपने आप खाली हाँ छोड़ा ले लो मजा गाड़ी में बैठ थाना चल वर्षों के लफड़ा के बारे में तोरा से कुछ पूछताछ करे के बाद लफड़ा के शुरुआत काल बिहारी के आदमी लोग के लिए रह सब और रह गई बस्ती खाली करावे के बाद तो ओकर स्टे ऑर्डर मिल चुकल बा कहां बा स्टे ऑर्डर देखा हजारी भैया लेके आवत पुलिस के चकमा देता रे पुलिस के
बोलना। धक्का मत दो। ना तो का कर बे, का कर बे? तोड़ा जैसन गुंडन के लतियावे में हमरा बड़ा मजा आवेला। का बुझले कहने अनु के धक्का मत दा, ना तो कहीं हमार हाथ उठ गए तो तोहर कुल मजा सजा में बदल जाए। देखिए सुन, थाना तो हम तो अकेले के ही चला। अब कौन जुर्म लेगा? पुलिस वाले के साथ ऑन ड्यूटी मारा मारी है। चलो चलो मत जाके आवता पहले चल। अच्छा भाई, आज सर्वा गिरफ्तार हो गई और आज हमार डिमोशन होके से भी बच गई। बेटी बेटी सब का जाना चाहता नहीं पापा? अरे सब का रिश्ते में तो आप हमारे बाप लगते हैं। हाँ, अब यही नाते छुपावे के तो कोनो मतलब ही नहीं थे। हाँ, ये अमिताभ बच्चन के भूत। अब ये तो बेटी का हमारे सपना के हीरो बाड़न। यंग एज का अमिताभ बच्चन। अरे बेटी, अमिताभ बच्चन ना है, ये अमरीश पुरी के बाप है, प्रेम चोपड़ा का दादा है, एक नंबर का गुंडा है, दो नंबर का बदमाश है और तीन नंबर का लोफर है। एक एसपी के घर में एक गुंडा के फोटो। बेटी ये ना हो सके। अरे लोग देखी तो का कही है? और अब यही ससुरा के हवा लात में डलवा क्या बताने हमारे एंग्री यंग मैन के लॉकअप में डलवा क्या होता नहीं? हाँ, ना हो सके। पहले निकलवा के आई ना हो सकेला। अच्छा तई ना हो सकेला? हाँ बेटी ना हो सकेला। तो ठीक बा, सलोनी सलोनी देखा दूसर कुछ गड़बड़ मत करिया बेटा। नहीं बेटिया नहीं,
ई घड़ी मत दे, ई घड़ी हमारी शादी के सालगिरह पे तोहार मम्मी देले रहली। अरे अरे बेटी डीवीडी के मत तोड़ा, एकरा में तू तो अपने अमिताभ बच्चन के पिक्चर देखे लू। नहीं देखे क्या अरे इका नहीं बेटी नहीं सलोनी। अरे बेटी टीवी के मत तोड़िया, ये हम घूस के पैसा से ना खरीद ले है, हमरा के दिवाली में बोनस मिलल रहा। दिवाली के बोनस? अरे बाप रे बाप। अगर जबरदस्ती आदेश के पालन करे के कहब तो हम अपन इस्तीफा दे दे। तू बोल चुकल ना, बोल चुकल ना, अब हम कुछ कहीं का कह? हमार बेटी सलोनी अब का बताएं? बस बस हम सब समझ गए नहीं। हाँ बड़ा इमोशनल अत्याचार भइल बा रुआ। तिवारी जी। जी साहब। खोल दे ताला। ठीक बा। अपमान के घूट पी के तो हमें करा के छोड़ दी हनी। हाँ। लेकिन एक बात बताई रहुआ, बेटी के ऊपर अमिताभ बच्चन के असर कब से बा? अरे वो पेट में रहल तबाही से बा। सर हमरा ये मामला कोई समझ नहीं क्या हुआ। अरे अब का बताई विजय, का बताई, ये मामला अभिमन्यु वाला बा। वहर चक्रव्यूह के रचना भइल और यह फिल्म के संरचना हो गई। कितना बार कहली हम अपना पत्नी से कि एगो देवानंद के पिक्चर देख ले, एगो दिलीप कुमार के पिक्चर देख ले, लेकिन ना सुनली तो ना सुनली, जौने के नतीजा हम भुगत रहल बानी। हाँ कंट्रोल सर, कंट्रोल करिए अपने आप की, नहीं तो बढ़ जाए। आराम से सांस ले, आराम से सांस ले।